नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की। एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी के आदेश पर रुधौली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। काफी जद्दोजहद के बाद चेयरमैन धीरसेन निषाद समेत दो के विरुद्ध एफआईआर। बलात्कार षड्यंत्र करने पर SC ST एक्ट की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। इसके बाद भी रुधौली पुलिस ने गर्भपात की गंभीर धाराओं में नहीं दर्ज किया मुकदमा। FIR दर्ज होने के बाद रुधौली पहुंचे ASP दीपेंद्रनाथ चौधरी, ले रहे जायजा। अब तो सवाल उठ रहा है कि क्या दलित महिला को पुलिस दिला पाएगी न्याय, क्या आरोपियों को पुलिस करेगी गिरफ्तार या फिर देगी संरक्षण, बना हुआ है चर्चा का विषय। या फिर पहले की तरह इस बार भी पुलिस चेयरमैन को घूमने का देगी मौका। अपर पुलिस अधीक्षक श्री दीपेंद्रनाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी मामले की जानकारी। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के नगर पंचायत रुधौली का मामला। चंद्रकांत पांडे की खास रिपोर्ट। कल दिनांक 27/8/23 को एक पीड़िता थाना रुधौली पर आई और उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है प्रभारी निरीक्षक रुधौली के नाम पर, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ धीरसेन निषाद एवं माया पाठक ने दुराचार किया है और लगातार वो उसका शोषण कर रहे हैं। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रुधौली पर मुकदमा अपराध संख्या 201/23 अंतर्गत धारा 376, 120 BRPC एवं SC ST एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना CO रुधौली प्रीति खरवार के द्वारा की जा रही है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही उसका कोर्ट में बयान कराकर एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।